I announce the first film made by Sanjay Dutt Productions, Baba. And we all are very proud. और जैसे आपने कहा कि पहली पिक्चर मराठी क्यों, मैं मराठी मानुस हूँ, यहाँ पैदा हुआ हूँ और आई एम मोर महाराष्ट्रन देन एवरीबॉडी. थैंक यू. राज, कैसे लगता है आपको जब आपकी फिल्म संजय दत्त प्रोडक्शंस और ब्लू मस्टंग जैसी बहुत बड़ी प्रोडक्शन हाउसेस प्रोड्यूस कर रही है फॉर द फर्स्ट टाइम एंड विद अ वंडरफुल कास्ट, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? इससे बेटर तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था. इससे बेटर तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था. इतनी बेटर कास्ट, प्रोड्यूसर्स, इट इज जस्ट वंडरफुल. अशोक सर, ब्लू मस्टंग क्रिएशन ची इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही दुसरी निर्मिती आहे, यापूर्वी आपण काही चित्रपट प्रोड्यूस केलेले आहेत, हा अनुभव आपल्यासाठी कसा होता आणि स्पेशली संजय दत्त प्रोडक्शन बरोबरचा हा अनुभव, हे कोलॅबरेशन आपलं कसं वाटलं आपल्याला? ब्लू मस्टंगने गेल्या वर्षी बकेट लिस्ट बनवला माधुरी दीक्षित बरोबर आणि यावर्षी मला एक चान्स मिळाला राजसारख्या एक चांगल्या डिरेक्टरबरोबर काम करायला. आणि त्याच्याच बरोबरीने संजय दत्त प्रोडक्शन्सने पण इंटरेस्ट खूप दाखवला. आणखीन ज्या पद्धतीने आम्ही हे जॉईंटली काम केलं आहे मला खूपच आनंद झाला आहे. इतक्या चांगल्या आणि प्रोफेशनल पद्धतीने हे काम मी तरी ह्याच्या आधी बघितलेलं नाही. वंडरफुल सर. मान्यता मॅम, आपसे पूछना चाहूंगा, हाऊ वॉज युअर फर्स्ट एक्सपिरियन्स ॲज प्रोड्युसर्स इन मराठी फिल्म इंडस्ट्री? This is also my first experience as a producer for any other film, but mala changli marathi bolayla yet nahi par mi koshish karnar. Okay, so but I think I'll speak in Hindi. So achhi, bahut acha laga ye production ka pura experience aur ye meri first film as a producer and I'm very happy that I chose a Marathi film because jo regional cinema hoti hai bahut acha content ko aage lati hai aur I think bahut receptive audience hoti hai. Choti cinema hoti hai, chote simple, jaise as नी सेट के सिंप्लिसिटी को बहुत अच्छे तरीके से दिखाते हैं. तो आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट एंड या थैंक यू. संजय सर, बस आपके बोलने के हम बहुत देर से वेट कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे हम सभी कि आपका इसके पीछे क्या विचार था, अभी आपके दिल में क्या ख्याल है, कैसे लगता है आपको आपकी पहली फिल्म? हमें ये बाबा का पूरा क्रिएशन तो ये टीम बैठी है और इसका थोड़ा बहुत सब्जेक्ट सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बोला 100% ये करना चाहिए. और बाकी मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से जो मेन पिलर और स्ट्रेंथ है ये मेरे लाइफ में भी वही है लेकिन पिक्चर में भी यही है. तो हम बहुत अच्छा लग रहा है कि वी आर एसोसिएटेड विद सच अ गुड फिल्म. सर, आपने फिल्म के बारे में जब प्रमोट करना शुरू किया आपके ट्विटर हैंडल पर या सोशल मीडिया पर, तब आपने सुनील दत्त साहब के साथ का आपका कनेक्शन उसके बारे में भी थोड़ा सा मेंशन किया था, तो उसका इस फिल्म के साथ बाबा का मतलब पिताजी, तो ये कनेक्शन क्या मतलब आपने सोच के किया था या अपने आप हो गया? नहीं, मैंने सोच के नहीं किया था, लेकिन बाबा बाबा ही होता है हर बच्चे के लिए, चाहे वो असली बच्चा हो या ना. तो आई थिंक एक पिता का दर्जा एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हर हर बच्चे के लिए. मी मीडियाच्या प्रतिनिधींना विनंती करतो, अगर आप में से आप कोई सवाल पूछना चाहे तो एंटायर कास्ट एंड मिस्टर संजय दत्त इज हियर. यस सर, माईक आहे. ताई, तुला खूप पळावं लागेल गं माईक, इथून तिकडे जायला म्हणजे एक 10 मिनिटं लागतील. संजू बाबा, आपके लिए सवाल है. आपके डैडी ने अजंता आर्ट्स के बैनर से फिल्में बनाई, मुझे जीने दो, रिश्मा और चरा, वो एक मीनिंगफुल फिल्में बनाई, उसी पैटर्न की ये फिल्म है, उसी को आगे लेके जाएगी? उसी को क्या? वो जो मीनिंगफुल फिल्म का दौर था उसी टाइप की ये फिल्म है क्या? अजंता आर्ट्स का जो स्पेशलिटी था उस जमाने में, आई मीन हम लोग जी वही सोच रहे हैं कि हम लोग भी एक कंटेंट ड्रिवन सिनेमा बनाएं, लेकिन ऐसे सिर्फ यही नहीं सोचेंगे कि कंटेंट ही बनाया जाए, हम लोग कमर्शियल पिक्चर भी बनाएंगे, इंटरटेनर्स भी बनाएंगे एंड वील मेक ऑल काइंड ऑफ सिनेमा. अच्छा, मराठी फिल्म कितने देखते हैं आप मराठी फिल्में कितने देखते हैं? मैं जितना भी देख सकता हूँ देख लेता हूँ. अच्छा, हाल ही में कौन सी देखी है?
अच्छा हाल ही में देखी हुई फिल्में, हाल ही में मराठी फिल्में जो देखी है आपने? मैंने अपना लई भारी देखी है। संजय सर टू यू एंड द टीम कंग्रेचुलेशंस, बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म, हमने ट्रेलर देखा, बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म लग रही है। मेरा आपसे सवाल ये है कि यू आर नोन एज आर बाबा, तो ये जो नाम का सजेशन था आपकी तरफ से था या ये नाम सुनने के बाद शायद आपने बोला कि वी हैव टू प्रोड्यूस दिस फिल्म? व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड द नेम? द स्टोरी बिहाइंड द नेम इज द डायरेक्टर, आई थिंक आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट, बट आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड एंड आई वाज वेरी हैप्पी के इट इज टाइटल्ड बाबा। दीपक जी मेरा आपसे सवाल यहीं पे, यहीं पे सर। हाँ जी, इट्स लाइक हम आपको देख रहे हैं लाइक नेवर बिफोर, मतलब ऐसा कैरेक्टर हमने पहले कभी देखा नहीं, एंड द वे यू हैव एक्टेड, मतलब सिंस देयर इज नो डायलॉग तो उसमें और ज्यादा हार्डवर्क लगता है। सो डू यू थिंक दैट जो दर्द एक था जो आपके करियर में जो बॉलीवुड शायद पूरा नहीं कर पाया वो रीजनल सिनेमा में कर दिया, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? जी जी बिल्कुल, मैं मतलब मेरा 12 साल का काम, पिछले 12 साल का काम एक तरफ और ये फिल्म एक तरफ, और इसीलिए मैं मतलब मराठी सिनेमा का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा कि मुझे लगा कि अभी मेरा जन्म हुआ है इंडस्ट्री में। थैंक यू संजू बाबा। गुड आफ्टरनून ज्योति वेंकटेश। हाय ज्योति, हाउ यू? कंग्रेट्स, बिकॉज मेरे ख्याल से आफ्टर दत्त साहब हु मेड यादे एज अ फर्स्ट एवर वन एक्टर फिल्म, यू हैव द क्रेडिट ऑफ मेकिंग ए मराठी फिल्म विद इन 60 डेज ऑफ इट्स अनाउंसमेंट। ये आया ये ज्योति, ये सब क्रेडिट यहाँ जो बगल में बैठे हैं ये इनको दिया जाता है, बिकॉज रियली इन्होंने और इनकी टीम ने बहुत मेहनत की है, फ्रॉम अभिजीत टू संदीप भार्गव एंड नताशा एंड एवरीबॉडी फ्रॉम संजय दत्त प्रोडक्शन साइड, सो आई थिंक दैट क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड टू हर। एंड ऑल्सो एज ए प्रोड्यूसर्स बोथ ऑफ यू वॉन्ट टू मेक ओनली एंटरटेनिंग फिल्म, दिस काइंड ऑफ मीनिंगफुल फिल्म, yeah, entertaining films like Dad used to make also. No, we'll make both kind of cinema, Jyoti. We are not just restricted to content-driven films. Yes, content is very, very important, but also entertainers are very important. And in Nandita lai prashna hai, Nandita, first time you're working for a film by Sanjay Dutt and in a different kind of atmosphere. Tumhala kasa vatla kaam karta na? Hello? एकतर हा रोल अत्यंत चॅलेंजिंग होता, जसं दीपक म्हणाला तर माझ्यासाठीही अत्यंत चॅलेंजिंग होता आणि खूप वेगळा होता, आणि इतकी सुंदर फिल्म वाटायला येणं म्हणजे मी स्वतःला अत्यंत लकी समजते, आणि त्यात वेन इट इज बॅक्ड बाय प्रोड्युसर्स लाईक ब्लू मस्टँग अँड संजय दत्त प्रोडक्शन, सो काय म्हणतात त्याला, दुग्ध शर्करा योग आहे तो, सो आय एम लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। आणि प्रिपेअर करायला डायरेक्टर काय वर्कशॉप काहीतरी केलं काय? हो, आम्ही वर्कशॉप केलं, आमचे सर आहेत इकडे सुनील सर, ज्यांनी आम्हाला या लँग्वेजमध्ये सीन्स इम्प्रोवाइज करण्यात, डिरेक्टर आणि सुनील सर असे दोघांबरोबर बसून आम्ही ही लँग्वेज इम्प्रोवाइज केली आणि त्याचे वर्कशॉप्स झाले डेफिनेटली। तुम्ही सांगितले चॅलेंजिंग होता रोल करण्याला, पण किती हे होता म्हणजे अडचण किती होता आणि त्रास किती झाला रोल करताना? चॅलेंजिंग ह्या अर्थी कारण आपण इतकी सवय असते आपल्याला सतत बोलायची, डायलॉग पाठ करायची, की आता शांत राहून त्याच गोष्टी तितक्याच इंटेन्सिटीने एक्सप्रेस करणं हे अत्यंत कठीण जातं, आणि त्यातही ही टेक्निकल लँग्वेज नाही आहे, म्हणजे डेफ अँड म्यूट लोकांची टेक्निकल लँग्वेज नाही आहे, ही अत्यंत एखाद्या साध्या माणसालाही कळेल आम्ही काय करतो आहे ते, तर त्या लेवलवरती सोपी करणं, जरी तुम्ही खालती सबटायटल्स नसले तरी तुम्हाला ते कळावं इतकं सोपं करणं हे एक मोठं चॅलेंज होतं आमच्यासाठी। और एक सवाल दीपक के लिए भी, दीपक अक्सर लोग ॲक्टर को डायलॉग के जरिए पहचानते, लेकिन एक ऐसी फिल्म ही है जहां तुम्हें एज एन ॲक्टर तुरंत 100% दे देंगे बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ रोल तुमने किया, तो ये करना ज़्यादा मुश्किल था दैन विथ डायलॉग रिडन फिल्म्स? पूरी फिल्म करना बहुत मुश्किल था, मतलब शुरुआत में तो लगा कि अगर एक आध सीन होता तो आप कर सकते हो, लेकिन पूरी फिल्म में उस किरदार को निभाना, उसके एक एक लम्हे को जीना, वो ज़्यादा चैलेंजिंग था, और हर दिन सीखने के लिए कुछ था, कुछ ना कुछ था इसमें। एंड प्लस जैसे बात हुई कि इसमें अगर हम पूरा साइन लैंग्वेज रख देते तो कुछ ये बोल सकते हैं, अच्छा तो ये थोड़ा सा ये ऑडियंस नहीं समझ पाती,
इसमें ये लगता है कि अब किस तरह की वो रखें थोड़ी सी, तो जो इनकी इन तीनों की लैंग्वेज है, ये जो माधव की, आनंदी और शंकर की, ये और त्र्यंबक की, ये चार लोग हैं जो इस लैंग्वेज को जानते हैं, और बाकी कोई समझे ना समझे इससे हमें परवाह नहीं है, बस हम अपनी ज़िंदगी में रहेंगे। तो हम इस कन्विक्शन पे चले, उस कन्विक्शन पे चले और कुछ ना कुछ निकलता चला गया। कुछ मास्टरी नहीं थी, वो आप देखेंगे, वो ज़रूरत से पैदा हुई एक भाषा यहाँ पे आपको नज़र आएगी। ये साइन लैंग्वेज नहीं है, ये होम साइन लैंग्वेज है, जो इन्होंने घर में ही आपस में जैसे भी बात करते हैं इशारों में, तो इन्होंने वैसे क्रिएट की हुई है, और ये पूरी दुनिया से वैसे ही इंटरेक्ट करते हैं, और ऑडियंस को ये बिल्कुल इजीली समझ में आएगी, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं समझ में आएगा। बिफोर संजय सर, जस्ट अ सेकंड, आई जस्ट वांट टू मेंशन वन वेरी स्पेशल पर्सन हियर, सुनील, जस्ट मेंशन, सुनील इज द पर्सन जिन्होंने इन सबके वर्कशॉप्स लिए हैं, और सुनील को हम सचिन तेंडुलकर कह सकते हैं, कारण बऱ्याचदा असं होतं की डेफ अँड डम लोकांमध्ये ज्यांना ऐकू येत नाहीत ते बोलूही शकत नाहीत, असे फार कमी लोक असतात ज्यांना ऐकू येत नाही पण ते बोलण्याचा प्रयत्न करतात। सुनील इज वन ऑफ देम, विच इज व्हेरी डिफिकल्ट, अँड ही इज ट्रेनिंग थाउजंड्स अँड थाउजंड्स ऑफ पीपल। सो राज, आप उनके बारे में प्लीज थोड़ा बता सके। नहीं, सुनील आप पूछो सवाल क्या है, मैं बोलता हूँ उन्होंने अब तक क्या क्या किया है और आपके वर्कशॉप्स कैसे लिए। ऑल ऑफ चढन एकदम तुम्ही प्रश्न विचारल्यावर जरा गडबड झाली, नो प्रॉब्लेम। ॲक्च्युली इफ आय कीप टॉकिंग देन आय विल कीप टॉकिंग लॉंग, बेसिकली द थँक यू फॉर द ऑपॉर्च्युनिटी टू डायरेक्टर राज अँड अचोक चर अँड संजय दत्त चर अँड मान्यता मॅम, बिकॉज ऑफ यू आय गॉट द ऑपॉर्च्युनिटी टू वर्क विथ यू ऑल। I'm really happy. The story is really long. I don't want to just say in one line Adi Pakchar and just one line. It was a fantastic experience. I can't say anything right now. That is enough. Thank you. Please give him a big round of applause. Without him, this film wouldn't have been possible. Hi, Sanjay sir. Yes, sir. Please. रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज़। सर, रॉकी से लेकर अब तक आपका करियर जो है काफ़ी ग्लोरियस रहा है, आपने बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी हैं और बहुत कामयाब करियर रहा है, लेकिन अब उम्र के इस पड़ाव पे आप आगे जाके हिंदी सिनेमा में किस तरह के रोल चुनना चाहते हैं, किस तरह के रोल करना चाहते हैं ये जो इनिंग्स आप खेल रहे हैं, और क्या आप आगे जाकर मराठी सिनेमा में भी नज़र आएंगे कभी, क्योंकि कुछ ऐसे सितारे हैं हिंदी के जिन्होंने अभी अभी हाल ही में मराठी के फिल्में की हैं, जिनमें माधुरी दीक्षित का नाम भी है, उन्होंने एक फिल्म अभी की थी, तो क्या इस तरह का कोई इरादा है आपका कि आप भी काम करेंगे? भैया, सबसे पहले उम्र के हिसाब से का मतलब क्या है? नहीं, दाढ़ी थोड़ी सफ़ेद हो गई क्योंकि कलोन लगाता था शेविंग के बाद में। नहीं, लेकिन सही कहा आपने कि मैं अभी पेड़ों के साथ और लड़कियों के साथ नाच नहीं सकता, लेकिन आई विल डू सम ग्रेट कैरेक्टर्स, जैसे मेल गिब्सन करते हैं या डेंजल वॉशिंगटन करते हैं, तो उस किस्म के कैरेक्टर्स मैं करूँगा। और जी, रॉकी से लेकर अब तक काफ़ी लंबी जर्नी रही है और सीखने को बहुत मिला है, क्योंकि बहुत बड़े एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है और सीखने को बहुत मिला मुझे। और क्या पूछा सर? एक सवाल ये था कि क्या बाकी कई जैसे हिंदी सिनेमा के एक्टर्स नज़र आ रहे हैं, मराठी फिल्मों में आप भी नज़र आएंगे? बिल्कुल आऊँगा, अगर ये जैसे डायरेक्टर अगर मेरे पास आए एक अच्छा रोल लेके, तो बिल्कुल करूँगा मराठी सिनेमा, क्यों नहीं। संजय सर, हाय। You have an exciting range of movies coming up. There's Bhuj, there's Shamshera, there is Prasthanam and Panipat. But there's always a curiosity about the third part of Munna Bhai. When is that finally happening? I pray to God that it happens soon. But this question should be asked to Mr. Raju Hirani. I think वो आपको ज़्यादा बोल पाएंगे। हम लोग सब जैसे आप इंतज़ार कर रहे हैं वैसे मैं भी कर रहा हूँ। Absolutely, we are doing. Ma boliye. We are doing a film. We'll be shooting towards the end of this year. It's called Bank Loan. We're shooting in Punjab. It's a stretch schedule of 60 days. So we
we are doing a Punjabi film as well. We have NH Studio and Mr. Hirawat is right here, one of the good distributors in the industry. So the film is in good hands and hopefully it's going to be a great film. Can we have the Sanjay sir? Samne. Sir, मुझे आपसे ये पूछना है कि जैसे मैम ने कहा कि मराठी सिनेमा या रीजनल सिनेमा जब हम देखते हैं तो वो जो होता है वो मिट्टी की खुशबू या उनके साथ बहुत जुड़ा होता है एंड देखा जाए तो सिंप्लिसिटी होती है वो भी भाती है. आपसे जानना चाहेंगे सर, व्हाट डू यू थिंक कि जो एक जो नर्व्स जो पकड़ी होती है ऑडियंस की रीजनल सिनेमा, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मराठी सिनेमा, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? जिस तरीके से सर मराठी सिनेमा पसंद किया जाता है इट्स बिकॉज कि उन्होंने एक नब्स पकड़ी है जिस अपनी स्टोरी टेलिंग से, अपनी सिंप्लिसिटी से, आप समझे. तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, जो एक रीजनल सिनेमा जो मराठी सिनेमा जो प्ले करता है इन एंटरटेनमेंट, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? वेल आई मीन इवन इफ यू लुक एट सैराट, इट्स अ कंटेंट ड्रिवन फिल्म लाइक बाबा, बट जी हाँ, बट लई भारी इज अ एंटरटेनर, यू नो. सो आई मीन इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट इट इज एंड इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. संजय सर हाय, वन क्वेश्चन फॉर यू. संजय सर, आजकल काफी सारे गाने रिक्रिएट हो रहे हैं एंड वन ऑफ योर पॉपुलर सॉन्ग्स व्हिच इज साकी साकी वाज आल्सो रिक्रिएटेड. कुछ लोगों को ये ट्रेंड पसंद आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आ रहा है. व्हाट इज योर टेक ऑन योर पॉपुलर सॉन्ग यू नो बीइंग रिक्रिएटेड? इट्स ग्रेट, आई मीन दैट दे आर बीइंग रिक्रिएटेड एंड दैट मींस दे हैव बीन पॉपुलर, दे आर येट पॉपुलर. सो इट्स अ गुड टेक आई थिंक. थैंक यू सो मच. इसके बाद संजय सर बहुत ही जल्दी जल्दी में थोड़ा सा टाइम निकाल के लाए. थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरी वन ऑन बिहाफ ऑफ ब्लू मस्टर्न क्रिएशंस एंड संजय दत्त प्रोडक्शन. आपका प्यार इस ट्रेलर को, इस फिल्म को ऐसे ही मिलता रहे. थैंक्स लॉट फॉर कमिंग हियर. थैंक यू सो मच. थैंक यू.